हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू और फ्राई पनीर की रसदार सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस तरह की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने पनीर लिया है। ये अपने घर का पनीर है, 300 ग्राम के आसपास हमने पनीर निकाला था। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल लगभग 100 ग्राम के आसपास डालेंगे और इसको पनीर को हम तलेंगे, क्योंकि हम फ्राई पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। आलू हमने लगभग 1 केजी लिया है, उसे पहले ही बॉयल करके रख लिया है। बॉयल करके उसे काट लिया है। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। हमारा पनीर लगभग फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने के बाद हम इसमें पंचफोरन डालेंगे, ये लगभग 1 चम्मच के आसपास है। तो 1 चम्मच हमने पंचफोरन डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने लगभग 250 ग्राम के आसपास लिया है फ्रेंड्स। और मिर्ची हमने 12 से 15 लिया है, क्योंकि सूखी मिर्च का हमने प्रयोग नहीं किया है इसमें। और इन सबको मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे, इसको कवर करके पकाएंगे। इसे ढक के बिल्कुल सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए हमारा प्याज कुछ सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज गल जाए। उसके बाद फिर हम इसे कवर करेंगे। तो फिर से हम देखेंगे, ये देखिए हमारा प्याज पूरी अच्छी तरह से पक चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन और जीरा मरीच का हमने पेस्ट बनाया था, तो उसे डाल रहे हैं। लहसुन का हमने 12 से 15 कलियां और 2 इंच के आसपास अदरक का टुकड़ा लिया है। और जीरा मरीच 1/2 चम्मच। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे और धनिया पाउडर 1 चम्मच 1.5 चम्मच, ये लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हमने 1 चम्मच से थोड़ा कम डाला है इसमें, अब जैसा तीखा खाते हैं उस टाइप से डालें। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले को लगभग 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। आप चाहे तो मसाले को ढककर भी पका सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सब्जी मसाला, ऐड करेंगे यहाँ। अब इसी जगह हम तेज़पत्ता ऐड करेंगे इसमें। आप चाहें तो तेज़पत्ता पहले भी डाल सकते हैं फ़ौरन के समय में, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं डाला। नॉर्मली हम ऐसे ही डालते हैं।
तो हमारा मसाला देखिए पूरा भून चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। मसाला भूनने का मतलब है फ्रेंड्स कि हमारा तेल छोड़ दे, मसाला कढ़ाई से अलग होने लगे, इस टाइप से कुछ लगे दिखने में। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला भून चुका है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इससे। अब हम इसमें कटा हुआ उबाला हुआ आलू ऐड करेंगे। ये लगभग 1 kg के आसपास में है। कुछ आलू को हमने मैश करके रखा था तो उसे भी डाल के मिलाएंगे। और मिलाने के बाद फाइनली अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अनुसार डालें, जैसा इसका थिकनेस रखना चाहते हो, जितना इसमें रस रखना चाहते हो। हमने तो यहाँ पे पानी लगभग 1/2 लीटर के आसपास डाला है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे जो फ्राई करके रखा था, और इसे थोड़ी थोड़ी इसके मसाले में डुबो देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी गरम मसाला का प्रयोग किया है फ्रेंड्स, क्योंकि गरम मसाला डालने से सब्ज़ी का फ्लेवर ही अलग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट होता है। 1/2 चम्मच के आसपास हमने प्रयोग किया है। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे। तो फाइनली हमारा उबले हुए आलू और फ्राई पनीर की रसदार सब्ज़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया और ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इतनी सब्ज़ी में हम लगभग 10 से 12 जन खा सकते हैं घर के लोग। कोई गेस्ट आ गया हो तो आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, ऐसे भी खाने का मन हो तो ये रेसिपी आप बना के घर में खा सकते हैं। इसे आप रोटी पराठा या चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।